अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ 2 मिनट के लिए है, तो मैं जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। तो जो लोग अरबिक सीखना चाहते हैं, कुछ कैटेगरीज होती है अरबिक सीखने के लिए, कुछ लोगों के पर्पस होते हैं, कोई अरब कंट्रीज़ में जाकर कुछ मतलब कम्युनिकेट होना चाहता है लोगों से, उसके लिए वो अरबिक स्पीकिंग सीखना चाहता है, या कोई कुरान पढ़ना चाहता है, अरबिक बुक्स पढ़ना चाहता है, पेपर्स पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए अरबिक। तो हर एक चीज़ के लिए पर्पस है। स्पीकिंग जो करना चाहता है वो उसको जस्ट वर्ड्स सीखने हैं, उसको कम्युनिकेशन करना है, उसको आइडिया चाहिए कि मैं कैसे बात करूँ, ठीक है। बट जो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है अरबिक, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ग्रामर हर एक चीज़ में ज़रूरी है, जैसे इंग्लिश में नाउन प्रोनाउंस कंजक्शंस वर्ब्स होते हैं, इसी तरह अरबिक में भी होते हैं। और अरबिक हर लैंग्वेज से ज़रा टफ है, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज है जो 1400 साल पहले की लैंग्वेज है, और तब से लेकर आप आज तक जो भी लैंग्वेज थी कोई बाकी नहीं रही है सिवाय अरबिक के। बस अरबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो अभी तक बाकी है और दुनिया में चल रही है, ठीक है। और बहुत ही मीठी मीठी जबान और प्यारी जुबान है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए कि मीनिंग्स, इस वक्त में तो यहाँ मिसालें नहीं दे सकता, तो मुझे खुद एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है, तो मैं 15 साल से, अभी छोटा ही हूँ 22-21 साल का, तो 15 साल से मैं पढ़ रहा हूँ अरबिक की। मुझे उस इंग्लिश एंड उस सब की ज़रा नॉलेज नहीं है, बट अरबिक में मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ भी हूँ और मौली भी हूँ और मुफ्ती भी हूँ। जो लोग इस्लाम से रिलेटेड है वो जानते हैं कि हाफिज़ किसे कहते हैं। वो अरबिक बुक है बेसिकली हमारी, तो पूरी मुझे याद है और पूरी समझता हूँ। तो अरबिक में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा कंट्रोल है। अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, कुरान पढ़ाना और तजवीद सब सब कुछ कर हो सकता है। आप आए और ज्वाइन करें, डेमो बुक करें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।